रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मतलब कोई भी टॉपिक, दोनों टॉपिक्स का मतलब एक ही है कि वो कहेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का टॉपिक है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक ही बात है, राइट, याद रखना। अब आपने इक्विलिब्रियम तो बहुत सुने होंगे, इक्विलिब्रियम तो हमने फोर्स में भी किया, वर्क में भी किया। इक्विलिब्रियम क्या है? हमने किया लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर क्यों? क्योंकि ना तो बॉडी लेफ्ट राइट में जाती थी, ना बॉडी ऊपर और नीचे आती थी। क्यों? ऊपर की फोर्स मस्ट बी कैंसल्ड बाय नीचे की फोर्स और राइट की फोर्स मस्ट बी कैंसल्ड बाय लेफ्ट। तो हम बोलते नेट फोर्स क्या है? जीरो। सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। काम खत्म। इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जांपल देता हूँ। दो बच्चे हैं और सीसॉ पे बैठ गए, पार्क में झूला लगा था, सीसॉ उस पे बैठ गए, ठीक है, एक ये एक ये, तो ऐसे होता है ना, एक नीचे एक ऊपर ऐसे। अब वो क्या करने की कोशिश करते हैं हवा में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वो अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं बच्चे ताकि हवा में किसी तरीके से ऐसे हो जाए, लेकिन होते नहीं है, नीचे गिर जाए, एक नीचे फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऐसे, पर कभी कभी बैलेंस कभी कभी बन जाता है। तो ये झूला, मतलब जब बच्चे बैठे हैं ऐसे पार्क में चलना शुरू हो जाता है? नहीं यार, फिक्स है ना, तो ऐसे ही चलता है, यही है ना, ये ऊपर नीचे जाता है। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाता है? रोटेशनल। देखो ना, रोटेशनल का क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लग रही है, उनका बच्चों का वेट लग रहा है जो टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो ये जो भी टॉर्क जनरेट करेगा और ये जो भी टॉर्क जनरेट करेगा ऑपोजिट एक्शन में करेगा, और अगर दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएं तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे हमारे पास लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता है क्या थी? कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये इक्विलिब्रियम होता था ना। इस चैप्टर में नेट फोर्स नहीं, इस चैप्टर में नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के हो गए, या तो लीनियर इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेट करने का मतलब ना लेफ्ट ना राइट जाना, ना ऊपर ना नीचे आना। और एक होता है रोटेशनल, रोटेशनल में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ही देखते हैं, इसमें सिर्फ घूमना नीचे ही, घूमे ना। अगर बॉडी घूम गई फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर बॉडी टिक गई ऐसे तो फिर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है यहाँ तक? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अंदर होता क्या है? सपोज ये वो झूला है सीसॉ, मान लो ये फिक्स है, ये फिक्स है, और इस बच्चे का वेट m2 है, इसका m1 है। तो इसका वेट क्या है? m1g, m2g, और ये डिस्टेंस है d2, ये d1। अगर इनको टिकाना है, ये मूव ना करे, रोटेट ना करे, और सोचो बच्चों का मास सेम होता है m एंड m, तो ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली क्या होता? बराबर d एंड d। आज हमने किया नहीं, d एंड d बराबर, बच्चों का वेट या मास भी बराबर, तो फिर कोई जो है मोमेंट ही नहीं होगी। पर हुआ क्या, यहाँ पर एक बड़ा मास है, एक छोटा मास है, एक बड़ा वेट है, एक छोटा वेट है, तो डिस्टेंस कितना है? d2 एंड d1। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बात बताओ, m2g टॉर्क जनरेट करेगा, तो ये एक्सिस है जहाँ पर उसको बांध रखा है, वो हिंज कर रखा है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऐसा होगा इसमें, इसके बॉडी ये घूम रहे हैं आगे पीछे। तो अगर ये एक्सिस है और m2g फोर्स है, तो m2g ने कितना टॉर्क जनरेट किया? बोलो, फोर्स किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस। पर पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है? d2। तो टॉर्क क्या होगा? m2g into d2। क्या है पॉइंट? क्लियर है? ये टॉर्क है, अच्छा m1g का टॉर्क है, फोर्स है m1g परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस कितने है? d1। तो टॉर्क क्या बनेगा? m1g into d1। क्लियर है यहां तक? तो एक बात बताओ, ये जो टॉर्क है m2g, ये बॉडी को कैसे घुमाएगा? इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज। और m1g इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज। और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो जो क्लॉकवाइज जनरेट किया हुआ टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में कैंसिल कर जाएं, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो ना तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को बराबर कर दें, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने बराबर कर दिया, बराबर करके आंसर आ गया m1d1 is equal to m2d2। वैसे सेंटर ऑफ मास से भी हो सकता था m1d1 m2d2, यानी कि ऑब्वियसली ये टिकेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो m1d1 m2d2, पर टॉर्क से ज़्यादा समझ में आ रहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मासेस बराबर होते m1 is equal to m2, तो d1 क्या होता? d2 के इक्वल होता। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ऐसे नहीं करेंगे, ये सेकेंड मेथड कुछ नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन है नीट में आया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक्सिस है, और ये एक पार्टिकल है पी, ये पार्टिकल को यहाँ से हमने रिलीज कर दिया, इसका वेट है एम जी, एम जी हवा में नीचे गिरता जा रहा है, हवा में नीचे गिर रहा है, और
कहाँ से घेरा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से घेरा, तो डिस्टेंस कितना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट से घेरा, ठीक हो गया। तो ये दूरी कितनी है, एक्स नॉट। तो वो क्या कह रहा है कि टी टाइम पे, किसी इंस्टेंट टी टाइम पे हवा में था, ये रहा हवा में है, एमपी हवा में है, आपको इसका टॉर्क निकालना है या प्रिंसिपल जो भी टॉर्क निकालना है, और ओ पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट इसका एक्सेस मान लिया जाएगा, ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ओ पॉइंट है, तो ये क्या है इसकी फोर्स, फोर्स किस एक्सेस में है, वाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से क्या होगा, एक्स नॉट, तो टॉर्क क्या होगा, एम जी इंटू एक्स नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, एम जी इंटू एक्स नॉट आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।